अस्सलामुअलैकुम, मैं तो बस मुस्तफा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिक्शे वाला। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वो इसलिए कि सबसे पहले तो आपको बता दें, ये देखें ऊपर आसमान पर ना बादल, काफ़ी गहरे बादल बन रहे हैं, लगता पूरा बारिश का माहौल है। सुबह सुबह सर्दी भी है, काफ़ी सर्दी है, काफ़ी सर्दी है आज। तो आए हैं नहा धो के, फ्रेश हो के पहुँचे रिक्शे बाग। तो रिक्शे बाग ना पहुँचते ही एक बुरी खबर मिली है, ये देखें ये रिक्शे के टायर में ना टायर पंचर हुआ है छोटा, ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात बनी। अभी सुबह सुबह ना वो क्या कहते हैं पंचर वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। चलो इसे करते हैं साफ और इसे लगवाते हैं पंचर, फिर इसमें तेल वगैरह इसका पूरा करके और तेल डुल डुल डाल के फिर चलते हैं अपने काम पर। वरना जैसे अपने काम पर निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ना, आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये पीछे ना कब कह कहा रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, देखे बैठे हुए दरख्तों के ऊपर। यार इस दफ़ा ना तो धुंधे तो काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन धुंधे के साथ कोहरा वगैरह ना दरख्तों के सारे शाखें साड़ के सवा कर दी हैं, जैसे कहते हैं ना सड़ गई हैं, जलस गई हैं। कोहरे की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ इस दफ़ा। तो कोहरे की वजह से जिस चीज़ को फ़ायदा होता है ना वो है गंदम, गंदम को बहुत फ़ायदा होता है, वो बहुत खुश रहती है, ताकि वो उसमें पानी होता है ना, पानी जब बीतता है उसको पानी मिलता है, उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, गंदम बहुत खुश रहती है कोहरे के लिए। चलिए इन बातों को छोड़े, पहले इनको मैं लगवाते हैं पंचर लगवा के फिर अपने काम के लिए निकलते हैं। जब काम के निकलते फिर आपको दिखाते हैं। वैसे भी कल का दिन भी इतना खास नहीं था, क्योंकि कल क्या था, कल ये था कि क्या था यार, कल हाँ कल शब-ए-बारात थी, शब-ए-बारात की वजह से रश तो पहले काफ़ी होता था, लेकिन कल इतना खास नहीं था, कल मखसूस था रास्ता, तो इसलिए ना काम इतना खास बेहतर नहीं रहा। इंशाल्लाह ताला आज देखते हैं, इंशाल्लाह ताला आज सो इंसान की ज़रूरत होती है उसने पूरी करती है आज इंशाल्लाह। फिर घूम घुमा के पहुँची है नहर पे, ये देखें हमारे गोजरा की बहुत ही डेंजरस नहर है, कैसे कितनी डेंजरस तरह की ना छले ना आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि कितनी खतरनाक चीज़ है नहर ही ना, वो पानी जा रहा है, कितना खौफ ज़्यादा आते हैं इसे पूरी ना। पानी का कलर भी लाल हुआ हुआ है, क्योंकि बारिशें आई हैं ना, बारिश की वजह से इसका कलर लाल हो जाता है। ये देखें कितनी डेंजरस और ख़तरनाक क्रीम इसका सीन है। हर साल ये नहर कोई ना अपने अंदर बंदा लेती है, जैसे कि आप सोच रहे कि बंदा डूब जाता है, इधर बहुत गहरी नहर है ये, कितनी देखें आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कितने ख़तरनाक चीज़ है। मैं अभी इससे काफ़ी दूर हट के खड़ा हूँ, यानी कि इंसान को खौफ तो होता ही है ना, ये देखें कितनी ज़बरदस्त खतरनाक तरीन नहर है, वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गुजर हुआ है, वो सामने रिक्शा खड़ा हुआ दूर, बहुत खतरनाक सीन है ये, कितना खतरनाक से डेंजरस नहर कहा जाता है ये, बहुत ही गहरी है, काफ़ी गहरी है ये। व्यूअर ये चेक करें, पहले फ्रंट कैमरे का सीन था, बैक का ये देखिए कितनी ख़तरनाक और डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहर है ये। पानी देखिए, पानी कितना तेज तेज उछल रहा है, ये देखिएगा ये पानी, जितनी भी आपको शोर नॉइस की आवाज़ आ रही है शोर की, ये सब पानी का शोर है। ये देखिए पहले ये साथ ही था, नीचे था, अब इन्होंने ना बहुत ज़्यादा ऊँची बंदी बना दी है, जिसे कहते हैं ना दीवार, ये देखें ये दीवार कर दी है ताकि कोई आगे ना जा पाए। अब वो कह रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द ना जंगला लगाते हैं, अभी भी काफ़ी ना क्या हो रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं। ये देखिए बाकी बात छोड़ें, ये देखें पानी कितना स्पीड से जा रहा है, तो वह आला ये तो खूनी नहर है, बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक नहर है, ये देखें डेंजरस नहर, बहुत ही ख़तरनाक सीन है ये। अभी तो पानी थोड़ा है, वरना ये तो पानी बहुत ज़्यादा था, पानी कितना लाल है, बारिश की वजह से पानी लाल हुआ है ये देख। चलें काफ़ी टाइम हो गया इसे देखते हुए, अब चलते हैं वापस। ये देखो बारिश कर मोल, ये इधर नर्सरी है, अब उधर नहीं वो भाई लोग खड़े हैं सामने, वो एक दूसरे की पिक्चर बना रहे हैं, ये देखें ये बड़ा ही खूबसूरत माहौल बनाया हुआ, देखें कितने कितने प्यारे दरख्त हैं, ये देखें अभी मौसम बाहर आने वाला है, दरख्तों के पत्ते भी निकल आएंगे, ये देखिए ये पीछे नर्सरी है, वो सामने नर्सरी फार्म में लोग काम कर रहे हैं।
बड़ा खूबसूरत सुकून है, उधर तो शोर है, इधर कोई शोर नहीं है, बिल्कुल पूरा सुकून है। वो भाई लोग आए हुए पिक्चर बनाने के लिए, यानी कि बहुत खतरनाक नहर है ना, इसलिए वो पिक्चर बनाने आए, इधर डेंजरस सीन की, डेंजरस सीन को अपने पिक्चर के अंदर लेना चाहते हैं। फिर घूम घुमा के जा रहे थे, वापस जाते हुए ये ना देखें कितनी प्यारी फराकें लगाई हुई हैं, लटकाई हुई उन्होंने, ये पठान लोगों की होती हैं, ये देखें ये चादरें वगैरह लेडीज़ चादर हैं, ये कितने प्यारे फराकें लगाई हुई हैं छोटी छोटी, ये पश्तो जिनको मैं पंजाबी जबान में बोले पठान लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, ये कितनी खूबसूरत लटकाई हुई हैं बेचने के लिए। पता नहीं ये भाई कहाँ गए हैं, इधर होते तो उनसे मिलते यार, कितना खूबसूरत है यार, ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये जिस किसी ने लेनी हो, ये दम्मा बंगला नहर है, नहर के करीब लगा हुआ है गोजरा की,